Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Star Creation World. आज के वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा एक राउंड योक के साथ ट्यूनिक टॉप बनाना दिखाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा. आई होप आपको अच्छा लगेगा. और ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये असल में प्रिंटेड लॉन फैब्रिक है जो कि स्लीव्स का फैब्रिक था मेरे पास. और ये थोड़ा कहना चाहिए इसमें ऑल्टर है, ये थोड़ा तिरछा फैब्रिक है, इसको भी हम सीधा करेंगे. इसके साथ हमने मिक्स एंड मैच करके स्काई ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है और ये मोटिव फ्रंट पे आएगा और बैक पे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा. इसको पहले ट्रिम करके बैलेंस कर लूँगी और फ्रिल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे. क्या क्या ये मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक ले लिया है जो कि प्लेन फैब्रिक है. इससे हम राउंड योक कट करेंगे. राउंड योक कट करने के लिए बहुत ही आसान वो है. अगर आप मैं जो हूँ इसको शोल्डर वाली साइड से बढ़ा के रखूँगी ताकि हम बटन लगा लें और पहनाने में आसानी रहे. मैं बैक से स्लिट ओपन नहीं कर रही इसलिए थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से कट करूँगी. इसके लिए मैं जो बैक साइड का योक कट करूँगी वो थोड़ा बढ़ा के कट करूँगी जो तकरीबन 1 से 1.5 इंच का होगा. इसके लिए क्या करना है मैं आपको पूरी मेजरमेंट बता देती हूँ. पहले मैं यहाँ से ले रही हूँ 7 इंचेस और योक की चौड़ाई और आप बढ़ा सकते हैं राउंड में यहाँ से भी तकरीबन 7 to 8 इंचेस आप ले लीजिए. इसको हम डबल कर लेंगे यानी ये हमारे पास 4 पीस हो जाएंगे फैब्रिक के. और फिर हम किस तरह कट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी. ये तकरीबन यहाँ से हो गया 9 इंचेस. ठीक है, ये हमने जब इस तरह डबल फोल्ड कर लिया यानी 4 फोल्ड फैब्रिक है, ये हमारा 8 इंच का हो गया. ये आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से, ये हमारा है तकरीबन 9 इंच का. ठीक है, 9 इंच का यूँ है और 7 इंच का इस तरह से लेके मैंने ये फैब्रिक को कट कर लिया. ठीक है, ये कट कर लिया, इसको हटा देते हैं फैब्रिक को. अब इस पर हमने योक को कट करना है जो कि राउंड शेप में है. जो ओपन एरिया है वो मैंने राइट साइड पे अपने सीधे हाथ की तरफ कर लिया है ताकि हम जब योक बनाएं तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये 2.5 इंच का ये बैक साइड के लिए हो. ठीक है, अब हम यहाँ से कट करेंगे 2 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी. ठीक है, ये 2 इंच की हो गई और डेप्थ में भी मैं 2 इंच का ही रख लेती हूँ. फ्रंट से हम थोड़ा सा बाद में बढ़ा भी सकते हैं, 2.5 इंच ले लीजिए ताकि स्टिच हो जाएगा तो ये राउंड योक सही से आपका समझ में भी आपको आ जाएगा. ठीक है जी, ये हमने 2.5 इंच ले लिया है फ्रंट के लिए. बैक की जो पट्टी है वो सामने आएगी इस तरह से. अच्छा, अब यहाँ से जो है ये है 2 इंच की, मैं बना रही हूँ 2 इंच पे. अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको नीचे से चौड़ा करें, जैसे यहाँ से चौड़ा कर लें चाहें इस तरह से कट करें, चाहें तो आप पूरा ही चौड़ा करें कम करें. मैं सिर्फ तैयार 2 इंच की रखूँगी पतली पट्टी के पतली उसका बना रही हूँ. योग जो है राउंड योग पतला बना रहे हैं. अगर आपकी मर्ज़ी है आपने शोल्डर पूरे वो करने तो आप 3 इंच तक का भी बना सकते हैं राउंड योग. ठीक है, बस इसी तरह से जिस शेप में मैंने किया है इस शेप में मैं कट कर रही हूँ. अब हम नेक के इस साइड की भी कटिंग कर देते हैं. ये कटिंग हो गई हमारी सही. ये मेरे 2 बैक के और 2 फ्रंट के कट हुए हैं. सही है, क्योंकि जब हम कटिंग को जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारी इनविजिबल राउंड योक बनेगी. यहाँ से मैं इसको हल्का सा राउंड बना दूंगी ताकि जब बैक से ये ऊपर आए तो ये खूबसूरत भी लगे और ये इसके ऊपर सेट हो जाए इस तरह से. ये हमारा यूं करके पट्टी आएगी फ्रंट साइड पे. ये हमारी कहना चाहिए राउंड योक कट हो गई है जो कि हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे. जब तो मैं पूरी डिटेल समझा दूंगी किस तरह स्टिचिंग करनी है. अब इसके बाद जो हमने नीचे इसके घेरा लगाना है वो किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. इसका शेप थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, बैलेंस कर लेते हैं इसको इस तरह से. ये हो गई पूरी कटिंग. ये राउंड योक जो मैंने कट कर लिया, अब इसको हम जब इसके साथ
करेंगे तो मैं आपको विड्थ बता देती हूँ, 8.5 इंच है और लेंथ में ये तकरीबन 13.5 इंच है। मैं इसे नीचे से ऊपर से ट्रिम कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये सेंटर से हमने रख लिया। इस योक को मैंने, और हमें चाहिए तकरीबन 5 इंच का आरमोल, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से पहले मैं जो आरमोल कट करूँगी ये तकरीबन 1 इंच ये लूँगी, 1.5 भी ले लें आप भले, और यहाँ से नीचे की जानिब से 2 इंचेस पे निशान लगा के इसको हल्का सा कर्व देके कट कर लूँगी ये यूँ, ताकि हमारा जब आरमोल बने तैयार हो वो हमें 5 इंच तक का मिल जाए। सही है। अब मैंने जो ये राउंड योक यहाँ रखा है इसके अंदर हमने पूरी जो सेटिंग करनी है, ये देखें इस तरह से पहले मैं कट कर लेती हूँ। ये कट कर लिया, अब जो है ये वाला हिस्सा है इसको हम कट करेंगे। इसको कट किस तरह करेंगे कि जो ये हिस्सा है इसको हल्का सा हम करें, देखें ये 7 इंच का बचा है और जो ये योक है ये इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट होगी पूरी की पूरी। पहले मैंने आर्मोल दिखा दिया आपको, ये हम यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया ताकि हम टक लगा लें कि हमें कहाँ तक स्टिच करनी होगी इसकी। अब यहाँ से हम इसको हल्का सा यूँ करके शेप देंगे, जैसे गले की शेप देते हैं, 1 इंच यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से शेप दे लेंगे। ये हमारा हो गया। अब फ्रंट के लिए हल्का सा डीप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रंट की शेप जो है सही जब ही बनती है जब आपका नेक थोड़ा सा डीप कटिंग हुई हुई हो, और जो है इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है आपको फ्रंट और बैक में भी आसानी से पहनाने में, और ख़ूबसूरती असल में इसी तरह आती है। मैंने 1 इंच या 1/2 इंच जितना आप और कट कर लीजिए, ये हो गई पूरी इसकी कटिंग। और इसको हम जब आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टिच करना है, यहाँ पर यूँ चुने देकर इस तरह से हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। जब आप ये कटिंग कर लें तो हल्की सी आपने इसमें शेप देनी है, वरना ये बिल्कुल थैले की तरह लगेगा और इसकी जो कहना चाहिए लुक है वो उतनी खूबसूरत नहीं आएगी। हल्का सा आपने शेप देना है इसमें, ठीक है जी, ये शेप दे लिया। और अब इसकी साइज़ में नीचे मैं जो हूँ साइड में लगाऊंगी फ्रिल, जो कि मैंने जिसका योक कट किया है सेम उसी फैब्रिक की फ्रिल लगेगी। ये मेरे पास फैब्रिक है, इसको मैं पहले आयरन कर लूँगी और ये 4 फोल्ड फैब्रिक कर लेंगे, तो हमारी जितनी भी स्ट्रिप हमें जितनी लंबी रिक्वायर्ड है हम उस हिसाब से कर लेंगे। अब मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक है तो मैं फ्रिल जो है बारीक बारीक, यानी धागा खींच के जो है बारीक बारीक बनाऊँगी, यानी एक यानी फ्रंट के लिए 2 हिस्से और बैक के लिए भी 2 हिस्से, यानी 4 स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। फिर इसके फ्रिल भी बना के दिखाती हूँ। इस योक के हिसाब से मैंने तकरीबन 5 इंच का आरमोल लेना है, क्योंकि 1/2 इंच जो है हमारा अंदर भी चला जाएगा, इस तरह से होगा ये। तो मैं इसके हिसाब से यहाँ निशान लगा लेती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। हम यहाँ पे टक लगा लेंगे कि हमें यहाँ तक ही स्टिच करना है। ये मैंने टक लगा लिया। अब जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हम इसी हिस्से की करेंगे। देखेंगे फ्रंट साइड का जो पार्ट है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये दोनों जो पार्ट हैं, सही है। अब यहाँ से जो हमें स्टिच करना शुरू करनी होगी तो हम पूरे इसमें नेक में इधर पूरे हिस्से में यहाँ तक हम स्टिच करेंगे, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हमें गाइडलाइन मिल जाएगी हमें कहाँ तक करनी है स्टिचिंग। सेम इसी तरह से बैक पे भी करना होगी, वो मैं आप कर लेती हूँ स्टिचिंग। क्या कर रही हूँ, देखें जो मैंने कट लगाया था ये वाला कट, इस कट से मैं स्टार्ट करूँगी स्टिचिंग करना, और 1 बूट के ही गैप से करेंगे स्टिचिंग, क्योंकि 1 बूट के ही गैप से मैंने इसकी मार्जिन रखा है। आपने बस इसके साथ में इस फैब्रिक एक के ऊपर एक रख के और बैलेंस करना है, और 1 बूट के गैप से पूरे आपने जहाँ से टक लगाया वहाँ से पहले स्टिचिंग करनी है। ये शोल्डर वाला जो पट्टी आपकी शोल्डर पर आएगी उस पर आपने स्टिचिंग करनी है, और नेक का जो राउंड है उस पर आपने स्टिचिंग करनी है, ठीक है जी। ये पूरी सेम इस तरह से मैं आपको ये फ्रंट के पार्ट की करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने बैक के पार्ट पे भी करनी है। बहुत आसान है, इसको मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ये ट्यूनिक टॉप बनता है बेबी किस के लिए, और बहुत ही फैंसी लुक भी देता है, क्योंकि असल में हम ये होता है कि बहुत से स्टेप्स वाले और अलग अलग तरह के ड्रेसेस बनाते हैं, कुछ ये डिफरेंस भी होना चाहिए ड्रेसेस में,
तो ये राउंड योक का है, इंशाल्लाह ताला स्क्वायर योक का भी आप लोगों के लिए बना के दिखाएंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। ये पूरा मैं इसको एंड तक जहाँ तक टक लगा हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लूँगी और बैक के पार्ट को भी कंप्लीट कर लूँगी। और फिर जो है इसको हमने पलटना है, किस तरह आयरन करना है, आगे क्या क्या काम है वो आपको दिखाने हैं अभी। ये बैक का भी इसी तरह से जहाँ से टक लगाया वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे फैब्रिक को और इनविजिबल राउंड योक बनाएंगे। जब स्टिचिंग हो गई आपकी, आपने यहाँ सब जो राउंड वाला एरिया है इस पर नॉचेस लगाने हैं और इसको पलटना है। अच्छा, इसकी नोकें और सब चीज़ें आपने बैलेंस करके सब बाहर निकालनी है और आयरन कर लें ताकि आपका जो ये योक का पार्ट है राउंड योक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन जाए। ठीक है, ये योक पे मैंने आयरन कर लिया है और जो आपको टक लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा होगा मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें इस तरह से ये जो नज़र आ रहा है ये मैंने आयरन से बैठा दिया, यानी हम इससे अपना जो नीचे का फैब्रिक यानी घेरा सा जो बनाया है हमने वो इसके साथ अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने रेडी कर लिया है, बहुत आसान तरीका है, इसको हमने आयरन करके सही कर लिया है ताकि आप जो है आराम से इसके साथ फर्दर कोई काम कर सकें, यानी आराम से आप स्टिचिंग कर सकें। ठीक है जी, ये फ्रिल रेडी कर लिए हैं, बहुत आसान तरीका है इन फ्रिल को बनाना, बस आपने पट्टियों को मैंने ज्वाइन किया था और इसमें डबल बड़ा वाला स्टिच कहना चाहिए साइज का स्टिच जो है वो लगा के और थ्रेड खींच लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चुने देनी है तो आप लेंथ वाइज कपड़ा ज़्यादा ले लें ताकि फ्रिल जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा घनी गहरी बने, यानी कहना चाहिए बड़ी ज़्यादा बने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसका जो दामन वाला हिस्सा है यानी नीचे वाला हिस्सा है इस पर हम डिज़ाइनिंग के लिए इस फ्रिल को रखेंगे इस तरह से और अटैच करके टॉप स्टिच लगा लेंगे, ये छोटा बड़ा जो भी आपको बैलेंस कर लें और अटैच कर लें। ये फ्रंट पे भी अटैच कर ली फ्रिल और बैक पे भी कर ली, आसान तरीका है, बस इसको अटैच करने के बाद एक टॉप स्टिच लगा दीजिएगा। कई दफ़ा मैं दिखा चुकी हूँ, अगर आप कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला छोटी छोटी वीडियोस भी हिसाब से बनाती रहूँगी। और अभी बेसिक कटिंग स्टिचिंग भी आप लोगों को सिखानी है जो कि टीनेजर्स गर्ल होती हैं जो सीखना चाहती हैं, उनके लिए भी न्यू आने वाली काफ़ी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम स्टिचिंग करेंगे, जब साइड की स्टिचिंग कर लेंगे तो ये जो आर्मोल की कटिंग करी है इसको भी मैं हेम बना लूँगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जो दोनों ज्वाइन कर लिए थे इसमें मैंने हेम बना लिया है, साइड का यानी जो आर्मोल का हिस्सा था इसको मैंने रेडी कर लिया है और जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा बॉडीज़ के लिए हमने जो ज्वाइन करना है इस घेरे को या इस जो कहना चाहिए टॉप को इसके साथ, तो मैंने क्या किया कि इसमें बड़ी बड़े स्टिच लगा लिए हैं ताकि हम जब धागा खींचे तो हमारी बारीक बारीक सी प्लेट्स बन जाएँ। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर बेबी हेल्दी है तो आप इसकी प्लेट्स कम बनाएं ज़्यादा बनाएं या आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके बॉडी के पार्ट को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये देखें ये हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पर सीधे को सीधे पर रख कर, और इस तरह से मैं ज्वाइन करना शुरू करूँगी पूरे इसके साइज़ के जितना ही मैंने इसके चुने देकर इस फैब्रिक को करना है। ठीक है, इस तरह से स्टिच कर लेंगे, कमी बेशी है तो आप उसको बैलेंस कर लें, फ्रंट का और बैक का दोनों इसी तरह से ज्वाइन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत बनेगा और बड़ी लड़कियों का भी बन सकता है स्लीव्स के साथ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे बता दूँगी कि अगर आपको स्लीव्स ऐड करनी है तो वो किस तरह ऐड होंगी। अब मैं इसको भी फ्रंट वाले को भी रेडी करूँगी और बैक को भी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से रखना शुरू करूँगी, टक लगे हुए हैं बस इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे दोनों में हम फ्रंट और बैक में, और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको ये दोनों ज्वाइंट होने के बाद बताती हूँ। ठीक है, फ्रंट और बैक रेडी कर लेती हूँ, ये देखें कितनी ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी बनी है। अब आप अगर 3 की 4 की 5 की बनाना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, देखें इस तरह से ज्वाइन किया है कि मैंने 1 बूट के ही गैप से इसको स्टिच किया और इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पर। अब मैं जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी पूरे फैब्रिक को, आप आयरन करके इसको सेट कर लीजिएगा पहले, अगर चाहें तो मशीन से स्टिच कर लें, चाहें तो आप तुरपाई कर लें,
यानी इनविजिबल स्टिच जो होती है, ठीक है। मैं तुरपाई से इसका करूँगी दोनों का, फ्रंट और बैक का, ताकि जो है फिनिशिंग के साथ काम हो जाए, प्लस जो है एक्स्ट्रा जो थ्रेड और फैब्रिक दिख भी रहा है तो छुप जाए। यहाँ पर हम बटन लगवाएंगे, चाहे तो आप काज बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। कोई फैंसी, अगर हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, योक अगर आपके पास फैंसी एम्ब्रॉयडरी पीस है तो आप उससे भी बना लें तो वो और ख़ूबसूरत लगेगी। मैं आपको इसकी लेंथ और वर्थ बता देती हूँ कि कितनी बनी है। देखिए 4 इंच का हमारा, तकरीबन 4.5 इंच का आर्मोल हमें रिक्वायर्ड था, तो वो इस तरह से फोल्ड होने के बाद हमें मिल गया। और ये हमारे पास तकरीबन 10.5 इंच की चेस्ट का पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब लेंथ जो है हमने फ्रिल लगा के बड़ी की है, आप इसको फ्रिल को छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब ये मैंने फ्रिल लगाई है तो मैं शोल्डर जो वहाँ से नाप रही हूँ, तो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है इस हिस्से को, और फिर मैं इसके बाद ज्वाइंट होने के बाद आपको नाप के बताती हूँ। ये तकरीबन 19 इंच की टॉप बना है, ये देखें 18.5 इंच का है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी मेजरमेंट वगैरह भी। ये हमने देखें स्टिच कर ली, मैंने जो है तुरपाई भी कर ली है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, देखें इस तरह से है ये, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ से ये ओपन है, ये तुरपाई की भी इनविजिबल हो गया, सही है। अब आपने यहाँ पर बटन लगा लें, शर्ट बटन लगवा लें, काज करवा लें। मैं अभी आपको ये रख के दिखा रही हूँ, इस तरह से इसका नेक बन जाएगा, ये देखें इस तरह इसके ऊपर रख दिया, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यूँ जाएगा यूँ डिज़ाइन, और कुछ फ्लावर या एम्ब्रॉयडरी का पीस हो अगर आपके पास तो उसकी योक बना लें। मैं यहाँ पे फ्लावर ऐड कर रही हूँ सिंपल सा, उसके ऊपर सीक्वेंस लगा दें आप, कोई बीट लगा दें, इट्स ऑल अप टू यू। ये इस तरह से डिज़ाइन करके आप बहुत ही खूबसूरत सा इसको लुक दे सकते हैं। अब पूरा लुक जो है मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये बहुत खूबसूरत लगा होगा। इसकी योक आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। स्लीप के फैब्रिक को इतनी ज़बरदस्त स्टाइलिश ट्यूनिक टॉप में, या आप कह रहे हैं कि फ्रॉक स्टाइल में हमने कन्वर्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत। इस पर फ्लावर लगा दिया, कुछ भी सीक्वेंस बीट आप लगा सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छा और स्टाइलिश बना सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।